याकूब की पत्री पहला अध्याय। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। वो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ती है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हरेक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। दूसरा अध्याय। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो कि तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांवों की पीढ़ी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और कुविचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो,
क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों, जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते, और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाए जाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। इसलिए कि जिसने यह कहा कि तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा कि तू हत्या न करना। यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की, तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की ना ही वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई यह कहता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया। सो तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही रहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तीसरा अध्याय। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चुक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी
और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है और मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। चौथा अध्याय। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हिंसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्त लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनंद उदासी से बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, तुम यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये
या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। पांचवा अध्याय। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवने वालों की दोहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बद के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, और तुम दंड के योग्य और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलिसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी क्षमा कीजिए, तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा।